हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हन्नू मीणा में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अनलिस्टेड वीडियो रखनी चाहिए या आपको डायरेक्टली पब्लिक कर देनी चाहिए। वीडियो बनाने के तुरंत पब्लिक करने से क्या फ़ायदा है और अनलिस्टेड रखने से क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, दो तीन बार वो कर चुकी है। मुझे ऐसे तो याद नहीं मेरे कौन से वाले चैनल पे किया, लेकिन उसने मुझे दो तीन बार कमेंट किया और मैंने उसको पढ़ भी लिया है। लेकिन मैं सोची कि अब जब मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं बनाऊंगी। मुझे टाइम आज मिला है इसलिए मैं आज भी ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको मैं ये बता देती हूँ कि अनलिस्टेड वीडियो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और मैं क्या करती हूँ मेरे बारे में बताऊँगी और आपको भी सलाह दूंगी। अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और एक प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना आप अगली वीडियो के लिए। क्योंकि उस बहन ने दो तीन बार कमेंट किया, वो तो मैंने बता दिया आपको कमेंट क्या किया था उसने। दीदी, मैं अनलिस्टेड वीडियो रखूं या मैं उसको पब्लिक करूं? तो जो बहन इस वीडियो को देख रही है वो तो समझ ही जाएगी कि मैंने कमेंट किया है, मेरे लिए ये वीडियो आई है। लेकिन और भी लोग हैं जो मतलब इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उनका कन्फ्यूजन मैं आज दूर करूँगी इस वीडियो के द्वारा। लेकिन पहले मेरी जो नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल इस समय बहुत ही डाउन चल रहा है। और प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करते जाइए, क्योंकि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। जो मुझसे हेल्प बनती है वो हेल्प मैं आपको करती हूँ। आप लोग बोलते हैं मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मैं आप सभी को सपोर्ट करूँगी, क्योंकि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आप सबको सपोर्ट करूँगी। और यूट्यूबरों को एक दूसरे को सपोर्ट मिलने से ही यूट्यूबर आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है एक दूसरे से जले नहीं, कृपया करके। और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और गाइस, आप जो मतलब कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इस बात से कि आप अच्छे कमेंट करते हो। और ख़राब कमेंट करने के बारे में भी आपको मैं बोलती हूँ कि अच्छे कमेंट नहीं करें। आपकी जो हेल्प मुझसे होती है तो मैं वीडियो के थ्रू करती हूँ, या फिर मैं कमेंट में रिप्लाई करती हूँ। आपको जो भी हेल्प चाहिए होती है मुझे, आप कमेंट करेंगे और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग मुझे कमेंट करते रहेंगे मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी मतलब जो भी जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगी। जो मुझसे आती है वो ज़रूर बताऊँगी, जो मेरे चैनल पर क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, बात यह है अनलिस्टेड वीडियो का मतलब क्या होता है और पब्लिक करने का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। मेरे पास मोबाइल तो नहीं है, नहीं मोबाइल से मैं और अच्छे से समझा देती, मोबाइल लेने वाला हो जल्दी और आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के ऐसे ही जानकारी देती रहूँगी। तो गाइस, आप जब वीडियो बनाते हैं, बनाना तो सबको ही आता है, ये तो कंपलसरी बात है। मतलब वीडियो बनाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब इस समय मतलब मैं क्या करूँ वो मैं आपको बताऊँगी। आप जब वीडियो बनाते हैं, अगर आपको तुरंत सारी वीडियो पब्लिक नहीं करनी है तो आप उसको अनलिस्टेड रख सकते हो या फिर प्राइवेट रख सकते हो। प्राइवेट का मतलब है उसको कोई नहीं देखेगा, अनलिस्टेड वीडियो का मतलब गलती से किसी ने, आप भी देख सकते हो उसको और मतलब पब्लिक के पास नहीं जाएगी वो वीडियो। अनलिस्टेड का मतलब भी प्राइवेट अनलिस्टेड दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन आपको जिसमें करना है आप इन दोनों में से रख सकते हो। अगर आपको वीडियो छुपानी है तो, अगर आपने 10 से 15 वीडियो या फिर 2-4 वीडियो बना ली है और आप उसको अभी पब्लिक नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, कहीं गए हैं बाहर वीडियो बना के सेव का मतलब ये होता है, सेव का मतलब तुरंत एक ही वीडियो सेव कर सकते हैं, सेव का मतलब ये होता है। अनलिस्टेड वीडियो का मतलब आप काफ़ी सारी वीडियो अनलिस्टेड कर सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड से क्या फ़ायदा है, आप कहीं बाहर गए आप बना के सेव कर सकते हो, यानी कि अनलिस्टेड रख सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो। आपको आपके अलावा उसको कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं देख सकता। और पब्लिक का मतलब है कि आप वीडियो को बनाओगे तुरंत पब्लिक करो तो पब्लिक के पास पहुंच जाती है, बस यही अंतर है और कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने जो पूरा बात होता है डायरेक्टली वही मैंने आपको समझाया है। और पहले मैं अनलिस्टेड वीडियो रखती थी, सुबह से लेकर शाम तक मैं वीडियो डालती रहती थी, लेकिन अभी मेरे पास उतना भी टाइम नहीं बचा है इसलिए मैं उसको एक ही बार में पूरा वीडियो पब्लिक कर देती हूँ। क्योंकि मेरा चैनल चल ही नहीं रहा है, ग्रो ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों क्या हो गया मेरे चैनल को खुद को। मैं सभी को हेल्प करती हूँ, भाई आप भी मेरा हेल्प कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, प्लीज़ आप भी मेरा सपोर्ट कर दिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन हो रहा है। यूट्यूब पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको भी बढ़ाना चाहते हैं साथ में, तो ठीक है गाइस। और अगर आपको कैसे भी जानकारी चाहिए प्लीज़ एक कमेंट कर देना, सारी समस्याओं का हल मिलेगा मेरे हन्नू मीणा चैनल पर। और जो भी लाइक कमेंट करके मुझे बताएगा उसके लिए ज़रूर वीडियो आएगी। ठीक है, बाय बाय गाइस।